नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम कायर मतवर इस कविता का लास्ट स्टैंजा जो है, मैंने कल बताया था कि आज खत्म हो जाएगी कविता, तो आखिरी का जो खंड का वे कहेंगे या फिर भाग जो है आखिरी का भाग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे कवि नरेंद्र शर्मा दो तीन स्टैंजाओं में क्या कहने का जो बात कहा है उसको मैंने समझाया था। पहले पद में किस तरह से रुकावटें आएंगी, किस तरह से तकलीफें आएंगी, उन सबको टोकर मार के आगे बढ़ने के लिए कहा था। और दूसरे में बिना किसी पे डिपेंड हुए, बिना किसी पे अवलंबित हुए आपको आगे बढ़ना है। और जो आपकी मानवता है, जिसको आपके माता पिता या आपके पूर्वजों ने बनाया है, अपने मेहनत से उसको बचाए रखना है और उसके बलबूते पर ही आगे बढ़ना है। कुछ भी ना करने की तरह बैठना या बेकार होकर बैठना सही नहीं है, तो यहाँ पे वो कहना कहा है। और तीसरे में आपको किसी के द्वारा धमकी या किसी के द्वारा अहित होने पर कभी भी उसको डर के पीछे नहीं हटना है। यहाँ पे तीसरे पद में कहा था नरेंद्र शर्मा ने कि पीठ दिखाकर भागना यानी कि आपको पलायन करना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है और अपने बलबूते पर उसको बदलने का प्रयास करना है। सामने वाला ताकतवर इंसान है, हमेशा आपको डराने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर दबाव लाएगा, कमजोर बनाने की कोशिश करेगा, आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा। आपको उसको बदलना है अपने आप के बल पर, अपने अंदर के बल पर, प्रीति के बल पर, यानी कि प्यार से समझा बुझा कर उसको बदलना है, उसकी नफरत को कम करना है और आगे वो चलकर आपको नमस्कार करे या आपके पैर छुए या फिर आपको प्रणाम करे, ऐसे हाल पे उसको लाना है या आगे बढ़कर उसको मारना भी, प्रतिहिंसा कहा था, मारना भी एक तरह से दुर्बलता है, मारना नहीं है बल्कि उसको प्यार से जीतना है और ना ही पलायन करना। कायरता भी एक तरह से अपमान यानी कि अपमान है। तो यहाँ पे तीसरा स्टैंजा में ये बताया गया था। और चौथा स्टैंजा देखिए यहाँ पे, तेरी रक्षा का नाम मौन है। तेरी रक्षा यानी कि मैंने यहाँ पे रक्षा का मतलब है शरीर किया है। रक्षा किसकी करेगा? ज्यादातर अपने आप की करेंगे, अपने इस शरीर की करेंगे। किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए आप इतना मेहनत करते हैं? अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी चाहत होती है अपनापन, जो आपके ऊपर डिपेंड रहता है उसी के लिए आप काम करते हैं। उसका कोई भी यहाँ पे मोल नहीं है क्योंकि बोल रहे हैं नरेंद्र शर्मा, आप उसके बलबूते पर या उसके लिए कमाई मत कीजिए, आप दूसरों के लिए, आप समाज के लिए मेहनत करिए, तब जाकर कहते हैं पर तेरा मानव अमोल है। लेकिन तेरा चरित्र मानव यानी कि मैंने यहाँ चरित्र लिया है, तेरा चरित्र जो बाहरी गुण है, जो दिखता है लोगों को, वो चरित्र अनमोल है। अमोल यानी कि अनमोल है, उसको सही रखो। भले ही तुम परिवार की रक्षा करो या अपने लिए काम करो, लेकिन अच्छी चरित्र रखने के कारण है, अच्छी पर्सनैलिटी रखने के कारण है या अच्छा गुण अपनाने के कारण है, लोगों के बीच भी आप अच्छे बन के रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे। यही यह मिटता है, क्या मिटता है? शरीर मिटता है लेकिन चरित्र बनता है। आपको चरित्र बनाने के लिए मेहनत ज्यादा करना है, शरीर को थकाना है, लोगों के नजर में अच्छा बनना है, तभी जाकर आपका चरित्र बनेगा और शरीर मिटेगा। कल के दिन आपके मरने के 100 साल बाद भी अगर किसी ने आपको याद किया है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर अच्छा था, बल्कि आपका चरित्र अच्छा था। आज हम लोग गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो या स्वामी विवेकानंद हो, इनको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये शरीर से बनावट से अच्छे थे, खूबसूरत थे, ऐसा नहीं, बल्कि चरित्र से ये गुणवान थे, अच्छे थे, सबके नजर में एक पसंदीदा थे। आज भी हमको उसी
भावना से देखते हैं क्योंकि उनके चरित्र अच्छे थे। वो कहते हैं कि यह मिटता है, क्या मिटता है, शरीर मिटता है लेकिन चरित्र बनता है। यही सत्य है, यही सत्य की सही पहचान है। तो यानी कि पहचान, आप कुछ भी कर लो, अच्छाई छुप नहीं सकती और बुराई बुराई छुप नहीं सकती और अच्छाई मिट नहीं सकती। कहते हैं बुजुर्ग लोग, कहते हैं जो अच्छाई करता है वो कभी मिट नहीं सकता और बुराई जो है कभी छुपाए छुप नहीं सकते। चोर डाकू लुटेरे लोग कितने बुराई करके अपने आप को छुपा कर रखते हैं लेकिन इसी डर में जीते रहते हैं कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं और अपने ही डर के अंदर वो पकड़े जाते हैं। लेकिन अच्छाई, अच्छाई आप दाहिनी हाथ से करो या बाईं हाथ से करो वो दिखाई देता है और लोग उसकी प्रशंसा करते ही हैं। अर्पण कर अपने सर्वस्व को मनुष्य को, अपने सर्वस्व जो यहाँ कि अपने पूर्ण जीवन को मनुष्य के लिए अर्पण करो, अपनी सेवा भावना के लिए अर्पण करो, मानवता के लिए अर्पण करो। और आगे मंत्र कह रहा है करना दुष्ट को आत्मसमर्पण, कभी भी बुराई के सामने सर मत झुकाओ, भ्रष्टाचार के सामने सर मत झुकाओ, अनीति के सामने सर मत झुकाओ और कभी ये मत चाहो कि किसी का बुरा हो, किसी का अन्याय हो, किसी का अधर्म हो, ऐसा कामना करना मानव का सही चरित्र नहीं है। जो व्यक्ति सही रूप में अपना जीवन बिताता है, अपना चरित्र बनाता है और अपने पथ पर चलता है और अपना पूरा जीवन मानवता पर निछावर करता है, वही व्यक्ति आगे बढ़कर पहचाना जाता है। जो व्यक्ति दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण कर ले या कमजोर होकर हार मान ले वो कभी पहचाना नहीं जाता। और लास्ट में कवि यहाँ पे कहते हैं कुछ भी बन बस कायर मत बन। कायरता एक तरह से आपकी कमजोरी है, कमजोरी को दूर करके आपको आगे बढ़ना है, वही यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है कवि नरेंद्र शर्मा ने। तो इसके साथ ही ये कविता जो है कायर मत बन ये समाप्त होती है। यहाँ पे मैंने आपको प्रश्नोत्तर के बारे में बताया था कि जो भी गद्य भाग या पद्य भाग के प्रश्नोत्तर हैं एक्सरसाइज के तौर पर वो सभी को आपको अलग से नोटबुक में लिखना है। सिर्फ ग्रामर पार्ट को उतना ही, जो भी ग्रामर पार्ट है उसको आपको वर्कबुक में लिखना है। यहाँ पे मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया, इसके बाद भी आप लोग गलतियाँ करते हैं, गलतियां करने के बाद पछताते हैं। बहुत से लोग हैं यहाँ पे फोन लगाकर पूछ रहे हैं नोट्स वगैरह, सभी के बारे में इतना क्लियर बताया है कि नोट्स आपको ही करना है, सभी कुछ आपको ही तैयार करना है, सिर्फ हम लोग डिटेल में आपको एक्सप्रेशन देंगे, फिर भी आप एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट बुक ना मिलने के कारण है आप ये नहीं कह सकते कि हमने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास ठीक से नहीं हुआ ने? तो यहाँ पे मैं पोएम के द्वारा आने वाला एक ही पॉइंट है जो ग्रामर का, वो है मुहावरा। यहाँ पे एक ही मुहावरा है गम के आंसू पीना, उसका मतलब है दुख दर्द में दुख दर्द सहना। तो वही एक मुहावरा है जो ग्रामर में आता है, आप ग्रामर पार्ट में डालिए, बाकी प्रश्न उत्तरों का हल कीजिए। यहाँ पे मैं कल फिर दूसरा अन्य पोएम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।